हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह के टाइम हो रहा है, देखो कितने 6:15 बज रहे हैं। अब मैं और रूही इसको जा रहे हैं गाँव, कल आएंगे वापस बच्चों को लेकर के। तब तक गाँव के वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा शूट करूँगी जा कर के, उसके बाद ही यहीं आके डालूंगी। वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, तो चलिए निकल लेते हैं। इसको सारा सामान लेके बाहर जा चुकी है और मैं सब लाइट पंखे सब बंद कर देती हूँ। और कान्हा जी ने लेके चले चश्मा ले रहे अपने। ठीक है चलो मिलते हैं। स्टार्ट मतलब बंद हुई है, लेकिन बारिश का जो गीलापन है वो सब मौसम अच्छा हो रहा है और काफी अच्छी बारिश हो गई है कि रोड के अच्छा लग रहा है। वो बाहर हवा नहीं चल रही, बारिश रोड के चारों तरफ पानी मतलब भर चुका है, काफी अच्छी बारिश हो गई है। लेकिन ईशु बोल रही है गाड़ी में तो एसी चल रहा है इसलिए लग रहा है मम्मी मौसम बाहर अच्छा है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं है शायद, क्योंकि पत्ते वगैरह बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे घोट हो रहा होगा। और टाइम हो रहा है 7:35 के आसपास हो रहे है ना, 7:45 हो गए और हम लोग चले थे वहाँ से गाजियाबाद से 6:30 बजे। 6:30 बजे के मतलब घर से निकले थे, फिर पेट्रोल पंप पे गए थे, पेट्रोल डलवाया, उसके बाद निकले हैं और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं हाईवे पे। हाईवे पे भी काफ़ी टाइम हमें चले हुए हो गया, वैसे तो अभी नोएडा के उसमें ही चल रहे हैं, ग्रेट इसमें गौतम बुद्ध नगर में ही अभी हम पहुँचे नहीं। गलगोटिया नहीं निकला ना अभी, क्योंकि गलगोटिया भी काफ़ी मतलब जेवर की साइड में दिया हुआ है, तो कॉलेज वगैरह जो यहाँ पे है गलगोटिया, तो अभी थोड़ी देर में पार हो जाएगा, बोर्ड लग रहा है आगे, उसके बाद में फिर हम आगे कम से कम यहाँ से हमें 8:30 बजे के आसपास घर पहुँचेंगे, इतना टाइम लग जाएगा। आधा एक मतलब 1 घंटे से थोड़ा कम ही लगेगा, लेकिन हाँ 8, 8:30, 9 ही मतलब 1 घंटा ही मान लीजिए उतने में, क्योंकि हाईवे के बाद में ना जो गाँव का एरिया आता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाईवे पर तो यह है कि सीधे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर गाँव में छोटे छोटे रास्ते हैं उनसे निकलेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन बारिश ऐसा लग रहा है कि आगे शायद जैसे जैसे हम जा रहे हैं कि जैसे अभी बरस के ही बंद हुई है, जब हम नोएडा में उधर चल रहे थे गाजियाबाद से पार होकर नोएडा में एंट्री किया था, तो मैंने तभी इस इशू को बोल रही थी कि शायद नोएडा या गाँव की तरफ इतना तगड़ा बादल था कि बारिश हो रही है, तो बस जब ही बंद हुई है हम लोग पहुँचते जा रहे हैं आगे आगे, बारिश होकर बंद होती जा रही है। अगर आपको दिखेगी नहीं दिखाऊँ तो रोड अच्छा खासा गीला हो चुका है और रोड के चारों तरफ थोड़ा कच्चा होता है ना, उस पर पानी भरा हुआ है। और सुबह को मतलब ट्रैफिक नोएडा में इतना नहीं मिला जितना हमें यमुना एक्सप्रेसवे पे है, गाड़ियाँ नॉर्मली इतना रस नहीं मिल पाता जितना आज है। सुबह का टाइम रहता है जनता कुछ कहीं ना कहीं घूमने के लिए, और वैसे भी अब तो 1 जुलाई से लोध का महीना शुरू हो जाएगा, तो मथुरा वृंदावन हैं जेवर से पहले ही हैं, टोल से पहले, और यहाँ पे हम रुके हैं, दिखाती हूँ। हाईवे के बराबर में यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नीचे उतर कर ये देखिए यहाँ ये रहा। और ईशु को जल्दी उठना पड़ा है आज,
और भूख भी लगी थी, उस कुछ भी खा के नहीं आई। मैंने बोला यहाँ से कुछ तो ब्रेड चाय दूध कुछ भी ले ले, नहीं मन कर रहा था उसका। अब उसको थोड़ा सा भूख के एहसास हुआ है कि मम्मी भूख लग रही है, 7:45 बज रहे हैं, तो मैंने कि चल मैं गाड़ी में बैठती हूँ, बर्गर किंग वगैरह यहाँ पे सारा रेस्टोरेंट में मैं कि तुझे बिस्किट जो भी चीज़ का मन करे वो लेके आ जा, फिर चलेंगे उसके बाद। और उसको नींद भी आ रही थी बहुत तेज वाली, मैं कि थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकलेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो अच्छा लगेगा तुझे, और धूप निकल आई है। इधर की साइड में बारिश कम है, नोएडा परी चौक वहाँ पर बारिश अच्छी हुई है, यहाँ पर हल्की है उतनी नहीं है, लेकिन अब यहाँ धूप निकलना शुरू हो गई है। तो बस उसके बाद में वो कुछ देखते हैं क्या लेके आती है, कुछ भी खाने पीने के लिए, थोड़ा खाएगी घूमे फिरेगी तो नींद उतरेगी, क्योंकि देर तक पड़ी है और सुबह जल्दी उठना पड़ा है, 5 बजे उठ गए थे और निकले। मैंने बोला था उसको कि 10-11 बजे निकलेंगे, लेकिन उसको जल्दी निकलना था। तो अब बस वही है, यहाँ से रह जाएगा कुछ देर का हमारा सफ़र है जेवर, कुछ टाइम बाद हम पहुँच जाएंगे उसके बाद घर। लेकिन वही है कि इतना टाइम चलने के लिए भी, गाड़ी चलाने के लिए ताकत होनी चाहिए उसको, इतनी मतलब भूख की वजह से ना ऐसा लग रहा है उसको आलस जैसा, वीकनेस ही। मैं कि चल कोई बात नहीं तू खा ले, तो मैं उसको वही बोला है मैंने कि देखो बिस्किट वगैरह अगर नहीं मिले तो कंजूसी नहीं करना, बर्गर लेके आ जाना, तो कुछ भी खा के उसके बाद आराम से थोड़ा अपना कहते हैं ना माइंड फ्रेश कर, बाहर निकलेगी हवा तो थोड़ा नींद भी भाग जाएगी, नहीं तो गाड़ी चलाने में पता चले मैं और वो दोनों ही इधर उधर ठुक जाए। तो बस यहाँ पे हम रुके हैं, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकली क्योंकि सामने ही तो रेस्टोरेंट है, उसी में गई है, वो लेके आ जाएगी। मैंने कहा मुझे नींद वगैरह थोड़ा आलस तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं चाय बिस्किट घर से लेके आई हूँ तो मुझे भूख नहीं लग रही है। वैसे भी इतनी जल्दी नहीं खाती हूँ, घर पर भी खाना जी नहीं ला करके खान मतलब नाश्ता वगैरह जब करती हूँ बाद में, तो मुझे नहीं लग रही उसको, वो भी इतनी जल्दी लेकिन सोती रहती है ना घर पर, लेकिन यहाँ पर अब गाड़ी चला रही है जल्दी उठी है तो उसको लग रही है। मैं चल अब देखते हैं क्या लेके आती, चाय वो पीती नहीं है, नहीं तो यहाँ पे सामने सब लोग चाय लेकर के आ रहे हैं कुल्हड़ वाली, लेकिन वो नहीं पीती है। मैंने कहा चल तू जो है तुझे जो अच्छा लगे वो लेके आ जाना। तो इधर के साइड में पेट्रोल पंप है, इधर के साइड में रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, मुझे लगता है काफी लंबे टूर पे इधर उधर जनता जाती आती है, तो सुबह का नाश्ता चाय पानी जो भी लोग ले रहे हैं काफी रस दिख रहा है। बाहर झूले भी लगाए हुए हैं छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए, कि बच्चे मतलब फैमिली आती है तो बच्चों को लेकर के अपना घूम फिर लो, लेकिन इस टाइम पे यहाँ बारिश की वजह से सब गीला गीला हुआ पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे चल के। देखिए मायके पहुंच गई, और मायके पहुंचने के बाद मम्मी ने किस काम पे लगा दिया, मैं गीता बच्चे हम सब लगे हुए हैं। एक्चुअली ये है लहाया, जो सरसों बोलते हैं बहुत जगह, लहाया बंगा भी बोलते हैं बहुत जगह, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा, क्योंकि जिसका तेल निकलता है। तो मम्मी को था कि तेल जैसे पहले निकलवाया था उन्होंने, तो मेरा पहले ही आ गया था, अब घर पर ख़त्म होने वाला है, तो 4-5 गट्टे रखे हुए थे, तो वही बोल रही थी कि तुम लोग चले जाओगे मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये मेरे से साफ़ नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से ये बड़ा वाला जो छटना होता है उसको पापा जी लेकर के आ गए थे, तो उस पर गीता है और मेरा भतीजा है, बड़े वाले भाई का बेटा है ये नैतिक, तो ये दोनों चाची बेटा लगे हुए हैं इसे हिलाने में। और मैं कि चलिए मैं कट्टे से इस तरीके से डाल दूँगी, जल्दी से साफ़ हो जाएगा, मम्मी का काम भी ख़त्म हो जाएगा, बाद में हमारे जाने के बाद जब भी मम्मी का मन रहेगा तो इसमें से तेल निकलवा लेंगे। तेल निकलवाने वाली जो मशीन होती है ट्रैक्टर के साथ लगा के, वो घर पे ही आ जाती है, कॉल कर दो उन्हें तो घर पे ही आके तेल निकाल के चले जाते हैं। तो मम्मी वही बोल रही थी मैंने कि इसको उस पर ही साफ़ करवा लेती, तो वही बोल रही थी कि वो साफ़ करने के लिए जो अपने साथ में मशीन दूसरी आती है उसमें इस तरीके से वो लगा रहा था छेद वाला छटना, तो वो लेकर के नहीं आते हैं, साफ़ अपने आप ही करना पड़ता है, तो इससे थोड़ा मोटा जितना कूड़ा वो निकल जाएगा और ये निकलने के बाद में तेल अच्छा साफ़ सुथरा होगा। तो मैं मम्मी को वही हंस रही थी मैं, इतनी गर्मी हो रही है और हम लोग तो मैंने इस काम पे लगा दिए, तो देखो मम्मी ने किस काम पे लगाया, तो वही बोल रही थी कि तुम लोगों को भी तो तेल चाहिए होता है, भाई तुम्हें तेल चाहिएगा तो अपना अपना काम करो, क्योंकि मैं अकेली कितना काम करूँगी, मेरे पास वैसे ही बहुत सारा काम हो जाएगा, तो बस इस काम को करेंगे। उसके बाद में वैसे हम लोग गाँव कल ही पहुँच गए थे
और दूसरे नेक्स्ट डे का है ये मेरा वीडियो, कल कोई सूट नहीं किया था, इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।